Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 12th of February 2020. So, 12 February 2020 ka news analysis dekhenge. Before we start, those who want to join the TEMS portal, they can join with the link given in the description comment section below. Niche description comment mein link hai, aap wahan se TEMS portal join kar sakte hain. Wahan aapko roz daily ka Hindu analysis, daily ka PIB analysis, daily ka aapko Indian Express, ye sari cheeze wahan available rehti hai. Monthly yojana aur kurukshetra bhi wahan pe available karai jati hai. प्लस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव्स, ये लेकिन फ्री आंसर राइटिंग, ठीक है ना, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं. दूसरा आपको नीचे लिंक मिलेगी जहां पे आप इकोनॉमिक सर्वे का, हमने जस्ट रिलीज कर दिया इकोनॉमिक सर्वे का, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन. प्रीलिम्स मेंस में आपको उससे ज्यादा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोबारा आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं है. एंड वी ऑल नो दैट कि अगर आपको GS3 अच्छे से करना है, अगर आपको GS3 का पेपर अच्छे से करना है, या फिर अगर आपको प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ही पड़ेगा. सो फॉर दैट रीजन आई एम सजेस्ट कि आप इकोनॉमिक सर्वे जरूर देख लें, एक बार जरूर ले लें अगर आपको मतलब सही लगे तो. तो प्लीज़ यू कैन गेट द इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो, नीचे लिंक दी है इकोनॉमिक सर्वे की भी, तो दैट इज देयर. एंड जनवरी का PDF हिंदू का हम आज रिलीज कर देंगे, तो मे बी इन द इवनिंग, आज शाम तक जनवरी का हिंदू PDF भी रिलीज कर दिया जाएगा. यू कैन गेट दैट ऑल दैट फ्रॉम द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले. डायरेक्ट एक्शन कॉल बाय द मुस्लिम लीग एम्ड एट, डायरेक्ट एक्शन कॉल जो हुआ था मुस्लिम लीग के द्वारा किसके ऊपर एम किया गया था. फर्स्ट, अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश बिफोर ऑगस्ट 1547. बी, टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम बाय इंश्योरिंग मोर रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट. सी, टू अचीव द स्टेट ऑफ पाकिस्तान आउट ऑफ इंडिया. या डी, नन ऑफ द अबव. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर टू इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पोट्टी श्री रामलू. ओके, तो आपको बताना है कि इनके रिगार्डिंग, श्री रामलू के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. फर्स्ट इज, ही वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट, वर्कड फॉर इमेंसिपेशन ऑफ दलित्स. सेकेंड, पार्टिसिपेटेड इन इंडिविजुअल सत्याग्रह इंक्लूडिंग असॉल्ट सत्याग्रह. थर्ड स्टेटमेंट इज सेइंग हिज स्ट्रगल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश विद इट्स कैपिटल कुरनूल. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट ऑप्शंस. वन ओनली, वन एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री ओनली, या वन एंड टू ओनली. दीज आर, दिस इज क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर थ्री इज, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स. आपको इवेंट्स दिए गए हैं, आपको मैच करना है. ऑपरेशन मेघदूत फर्स्ट, ऑपरेशन पवन सेकेंड, ऑपरेशन कैक्टस थर्ड, या ऑपरेशन पोलो फोर्थ. अब आपको बताना है ये कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या, मतलब किस ऑर्डर में ये हुए थे, ऑपरेशन मेघदूत, पवन, कैक्टस एंड पोलो. ऑप्शंस आर 4-2-1-3, बी इज 3-2-1-4, सी इज 4-2-1-3, या डी 4-1-2-3. आई थिंक ए और सी जो ऑप्शन है वो सेम हो गए हैं, लेकिन ठीक है, आप इसमें ही अटेम्प्ट कर लीजिए, आंसर इसमें दिया ही हुआ है, ठीक है ना. तो यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय दिस ओनली. तो ये तीन क्वेश्चंस हैं, प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. मैं आपको आंसर्स जब एडिटोरियल डिस्कस कर लेंगे तो इसके बाद बता दूंगा, तब तक आप अटेम्प्ट जरूर करके रखना अपने से, एंड देन यू कैन मैच द आंसर फ्रॉम आर आंसर्स. ओके, सो एडिटोरियल्स अगर हम बात करें तो विनिंग फार्मूला जो पहला आर्टिकल है ये भी आम आदमी पार्टी की जो विन हुई है कल दिल्ली इलेक्शन में उसके ऊपर है. एंड सेकंड आर्टिकल जो द अदर दिल्ली इज डिस्टेंट येट, दिल्ली अभी दूर है, ये भी बेसिकली आम आदमी पार्टी के ऊपर ही है कि किस तरीके से उन्होंने चुनाव जीता. तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दीज टू आर्टिकल्स. थर्ड आर्टिकल हम ये भी डिस्कस नहीं करेंगे, सेलिब्रेशन ऑफ अ पिवोटल अचीवमेंट, ये भी आम आदमी पार्टी का ही है. ओके, दिल्ली वोटर का क्या चॉइस है क्या नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस अगेन. वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट कॉल. दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशंस, इंडियन श्रीलंका रिलेशंस के ऊपर ये आर्टिकल है फर्स्ट कॉल, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. अब यहाँ पे आप सबको पता है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षा जो कि श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका विजिट हुआ इंडिया में. एंड इसके पहले गोताबाया राजपक्षे जो कि प्रेसिडेंट है वो भी विजिट करके गए थे नवंबर में, है ना. तो अगर आप देखो तो श्रीलंका की तरफ से एक अप्रोच हुई है कि वो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को और आगे बढ़ाए. तो ये फर्स्ट इंस्टेंस है जहाँ पे आपको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दो तीन महीने के अंदर अंतर के अंदर मिलते दिख रहे होंगे, ठीक है ना. And New Delhi has also indicated that it would like to make a fresh start working on developmental projects including joint Indo-Japan proposal for the East Container Terminal at Colombo. तो इंडिया ने भी ये शोकेस किया कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ कारणों से जो चीज़ हॉल्ट हो गई है उसको आगे बढ़ाने के लिए, और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और जॉइंट इंडिया जापान का जो एक इनिशिएटिव था ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाने का जो कि कोलंबो में बनता है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, उसको भी आगे बढ़ाने का इंडिया ने इरादा किया है.
इसके अलावा महिंद्रा राजपक्षे ने डिस्कस किया ऑफ एक्सटेंडिंग $400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट एंड इंडियाज़ फर्दर असिस्टेंस फॉर नेशन वाइड हाउसिंग। तो मतलब कि श्रीलंका की नेशन वाइड हाउसिंग के लिए इंडिया के असिस्टेंस चाहिए महिंद्रा राजपक्षे को, तो ये भी एक इंस्टेंस है जो कि इंडिया श्रीलंका रिलेशन में आप लिख सकते हैं। सिक्योरिटी टर्म्स में देखें तो अगर आपको तो राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात की है, ट्रेनिंग की बात की है, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेशल $50 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय इंडिया उसकी बात की है, और ये सारी चीज़ों की बात उन्होंने की है। एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग इंपॉर्टेंट है याद रखना, ट्रेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फोर्स ये भी याद रखना, ठीक है ना। तीसरा जो पॉइंट है वो इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस में है, वो इंपॉर्टेंट है कि इंडियन श्रीलंका एंड द मालदीव्स दे आर एक्सपेक्टेड टू रिवाइव देयर ट्राइलेटरल ऑन सिक्योरिटी इंक्लूडिंग जॉइंट मैरिटाइम सिक्योरिटी टॉक्स एंड एंटी टेरर कोऑपरेशन। तो इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव्स जो हैं वो अपने ट्राइलेटरल सिक्योरिटी टॉक्स और जॉइंट मैरिटाइम सिक्योरिटी टॉक्स एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं, एंड दिस इज अ वेरी गुड सिग्नल फॉर दीज थ्री कंट्रीज। ओके, फाइनली राजपक्षा रीअफर्म्ड हिज बिलीव दैट श्रीलंकास फ्रेंडशिप एंड इंडिया इज एज अ रिलेटिव। ओके, तो इंडिया को एक रिलेटिव की तरह मानते हैं गिवन द हिस्ट्री एंड कल्चर, राजपक्षा ने ऐसा कहा है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग क्योंकि राजपक्षा को प्रो चाइनीज़ माना जाता है, एंड अगर इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस में अच्छाई आ सकती है इन दिस रिजीम तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नाउ पॉइंट ऑफ कंटेंशन अगर हम देखें तो पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो है 13th अमेंडमेंट है। 13th अमेंडमेंट क्यों है, क्योंकि देखो श्रीलंका में दो कम्युनिटीज़ मेन हैं, जो वहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो है आपका सिन्हालीज कम्युनिटी, सिन्हालीज, और दूसरी जो माइनॉरिटी है वो है आपका तमिल्स। इंडिया जो है वो तमिल्स का भला चाहती है, एंड 13th अमेंडमेंट जो है वो इसी के लिए है कि तमिल्स को भी थोड़ा पावर दी जाए इन सम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तमिल्स को पावर के लिए है, बट 13th अमेंडमेंट का कोई अभी फाइनल राजपक्षा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सिन्हालीज जो है दे आर अगेंस्ट दिस 13th अमेंडमेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि वो अगेंस्ट होंगे, भाई जिसमें भी उनकी पावर कम होगी वो उस चीज़ से अगेंस्ट होंगे। तो ये बेसिकली इस कारण से एक पॉइंट कंटेंशन है। दूसरा, दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे जिनको राजपक्षे ने रूल आउट कर दिया। एक है त्रिंकोमली पोर्ट का, त्रिंकोमली जो है वो श्रीलंका में ही है, और दूसरा जो है ये त्रिंकोमली का एनर्जी प्रोजेक्ट था, दूसरा आपका मट्टाला एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट था ये भी रूल आउट कर दिया गया था। तो ये मट्टाला एयरपोर्ट और त्रिंकोमली का जो प्रोजेक्ट है, इन दोनों प्रोजेक्ट्स को इंपॉर्टेंट याद रखना, ये श्रीलंका में लोकेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है ना। जबकि इंडिया इनको काफ़ी ज़्यादा लोन भी देता रहता है, काफ़ी ज़्यादा इनको प्रोवाइड करता है, बट देन ऑल्सो दे आर डूइंग ऑल दैट थिंग। एंड इसके बाद अगर आप देखो पास्ट में न्यू दिल्ली ने कोई ऑफर नहीं एक्सेप्ट किया था फॉर डेवलपिंग द हम्बनटोटा पोर्ट याद रखना कि इंडिया की गलती ये थी कि हम्बनटोटा पोर्ट उन्होंने बनाने का मना कर दिया, तब हम्बनटोटा पोर्ट का जो प्रोजेक्ट था वो किसके पास चला गया, चाइना के पास चला गया। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी कहीं ना कहीं रहती है कि जब उन्होंने हमको ऑफर दिया था हम्बनटोटा का तो हमने उनको मना कर दिया था। तो दिस शुड नॉट हैपन इन द फ्यूचर, अगर आपको रिलेशंस मेंटेन करने तो आपको अपना प्रेजेंस भी वहां पे रखना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द ऑथर वांट्स टू सजेस्ट। ओके, तो फ्यूचर में आपको वहां पे अपनी प्रेजेंस को फील कराना पड़ेगा, उनको उनके साथ कोऑपरेशन में रहना पड़ेगा। आगे मूव करते हैं ऑपेड पेज में। ऑपेड पेज में बहुत अच्छे आर्टिकल हैं। पहला है दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन, जो ये दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन इज अ वेरी गुड आर्टिकल बेसिकली। अगर आपको पता हो कि दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की जीत हुई उसका एक रीज़न दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन भी है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले तो ऑथर ने यह कहा है कि महात्मा गांधी ने जब लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो रिच पुअर एजुकेशन हर फील्ड से लोग आए थे उनको ज्वाइन करने के लिए 1930s में, ठीक है ना। तो ये उन्होंने पता नहीं क्यों ही लिखा है। तो हम बात करते हैं दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन की। तो दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल दिल्ली के लिए बाकी बियॉन्ड दिल्ली भी लोगों ने काफी ज्यादा इसको अप्रिशिएट किया, ठीक है ना। एंड द आप गवर्नमेंट इन दिल्ली हैज सॉट टू ब्रिज द गैप, जो कि एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड का गैप है उसको ब्रिज करने की एक कसम खाई है एक तरीके से आप गवर्नमेंट ने। तो दैट इज़ द थिंग, ना केवल क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी नेसेसिटी है, एंड इसको बढ़ावा देना क्वान्टिटी को क्वालिटी को दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही मोटिव हैं बेसिकली, मेजर कंपोनेंट हैं आपके दिल्ली के एजुकेशन मॉडल का। अगर हम दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की बात करें तो 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑथर ने बताए हैं। देयर आर 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स विच ऑथर हैज पॉइंटेड आउट। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बदलने की ज़रूरत है। डिलापिलेटेड यानी कि जो टूटी फूटी अगर बिल्डिंग में अगर आप देखें तो वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती। आप नॉर्मल सी बात सोचें ना, कोई चीज़ अगर टूटी फूटी है तो वहाँ ज़्यादा पढ़ाई अच्छी होगी कि जो वेल मेंटेन्ड है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई कमी नहीं है वहाँ होगी। तो ये पहला जो
मतलब ब्लॉक था डिलैपिलेटेड बिल्डिंग्स का, गवर्नमेंट स्कूल बाय डिफॉल्ट आप अगर इमेजिन करेंगे तो आपको एक टूटी फूटी बिल्डिंग ही इमेजिन होगी, बट दिल्ली में ऐसा केस नहीं है। दिल्ली में उन्होंने आपने स्टाफ रूम्स, ऑडिटोरियम, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट फैसिलिटीज सारी अच्छी बनवाई हैं और वहाँ के स्कूल्स को मेंटेन किया है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स। जो ट्रेनिंग है टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कराई जाती है। और आम आदमी पार्टी के जो मतलब एक तरीके से वो थे, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने विजिट भी किया कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन स्कूल्स में क्या होता है, और फिर उस मॉडल को दिल्ली में ले आने की कोशिश की गई। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन, सेकेंड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट की अगर हम बात करें, थर्ड कंपोनेंट इज इंगेजिंग विद द कम्युनिटी, इंगेजिंग विद द कम्युनिटी बाय रिकॉन्स्टिट्यूटिंग स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज। तो स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज को 5 से 7 लाख रुपए का एक बजट भी दिया जाता है एनुअली, कि वो उस 5 से 7 लाख का जो खर्चा है वो स्कूल एक्टिविटीज में, हायरिंग टीचर्स शॉर्ट टर्म बेसिस में अगर आपको करना है तो इन सब के लिए यूज कर सकते हैं। रेगुलर डायलॉग होता है टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में और मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग्स का प्रावधान भी किया गया, तो कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया गया इन द दिल्ली। तो ये भी एक मॉडल का हिस्सा है। चौथा जो पॉइंट है वो है कि जो देर हैव बीन मेजर करिकुलर रिफॉर्म्स इन टीचिंग एंड लर्निंग। करिकुलर रिफॉर्म्स में काफ़ी चेंज किया गया, ओके। एंड इन 2016 द आप गवर्नमेंट नोटेड दैट देर वॉज नियरली 50% फेलियर रेट इन क्लास 9th, और उसमें 50% चल रहा था क्लास 9th में फेलियर रेट। तो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि ऑल चिल्ड्रंस कैन रीड, राइट, डू बेसिक मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें लॉन्च की गई और वहाँ पर मतलब करिकुलम को चेंज किया गया थोड़ा। फिफ्थ पॉइंट देखो, देर वॉज नो फी इंक्रीज इन द प्राइवेट स्कूल्स। सारी सुविधाएं होते हुए भी प्राइवेट स्कूल्स की फीस नहीं बढ़ने दी। वाइल द फर्स्ट फोर कंपोनेंट्स इंपैक्टेड नियरली 34% ऑफ द चिल्ड्रन इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, आर्बिट्ररी फीस हाइक्स इंपैक्टेड 40% चिल्ड्रन हु वर गोइंग टू द प्राइवेट स्कूल। तो लगभग 40% बच्चे को इंपैक्ट किया इस चीज़ ने कि फीस इंक्रीज नहीं हुई इन द प्राइवेट स्कूल्स। तो ये जो है पॉइंट्स हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन। अगर दूसरे स्टेट्स चाहें तो वो भी इसको अपना सकते हैं। वे फॉरवर्ड, अब कुछ और नई चीज़ें होने वाली हैं, जैसे कि फर्स्ट द सिलेबस ऑफ क्लास 1 to 8 विल बी रिव्यूड एंड एम्फेसाइज फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स। तो अब क्या करेंगे, 1 to 8 का सिलेबस फिर से रिवाइव किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा और फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स को भी एम्फेसाइज किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हैप्पीनेस कोशेंट को इंक्लूड किया जाएगा, इसके बाद देशभक्ति करिकुलम को भी इंक्लूड किया जाएगा ताकि आप पैट्रियोटिक भी बनो, आप एक हैप्पी सिटीजन भी बनो, ये सारी चीज़ें हैं। सेकंड है, दिल्ली एजुकेशन बोर्ड विल सेट अप एंड प्रमोट लर्निंग दैट इनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। तो दिल्ली एजुकेशन बोर्ड बेसिकली इस तरीके से प्रमोट करेगा लर्निंग को कि लर्निंग के साथ साथ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़नी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी भी बढ़नी चाहिए एंड यू शुड हैव अ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज। जस्ट नॉट नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं, ठीक है ना। थर्ड जो पॉइंट है वो है कि स्पेशलाइज्ड स्कूल्स विल बी क्रिएटेड इन ईच 29 जोन्स ऑफ द दिल्ली टू नर्चर द एप्टीट्यूड एंड टैलेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। तो कुछ स्पेशलाइज्ड स्कूल्स भी बनाई जाएंगे जो कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस, टेक एंड स्पोर्ट्स, इनसे फील्ड से रिलेटेड रहेंगे स्पेशलाइज्ड स्कूल्स। सो दीज आर द वे फॉरवर्ड एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। 6 years ऑन लोकपाल इज अ नॉन स्टार्टर। अभी अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल है नॉन फंक्शनल लोकपाल का। आप सबको पता है कि पिनाकी चंद्रा घोष जो थे, पीसी घोष, ही वाज द फर्स्ट लोकपाल। 23 मार्च इज द डेट जिस दिन पिनाकी चंद्रा घोष को अपॉइंट किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा 2011 में एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन की डिमांड हुई, लोकपाल की डिमांड हुई, सब कुछ चला, 6-7 साल तक प्रोटेस्ट चलता रहा और ये सारी चीज़ें हुई, बट आज तक अगर आप देखो तो लोकपाल फंक्शनल नहीं है। सबसे पहला रीज़न क्या था, सबसे पहला रीज़न था डिले इन अपॉइंटमेंट्स। पहले तो आपने डिले किया अपॉइंटमेंट में ही, 2019 में आपने पहला देश को लोकपाल दिया। इसके पहले आप बोलते रहे कि कोई अपोजिशन प्रॉपर नहीं है, कोई ये नहीं है, ये सारी चीज़ें बोलते रहे। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कोई प्रॉपर अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को भी इंक्लूड कर सकते हो, तब जाके आपने किया। दूसरा, आपने कर तो दिया बट अगेन द रीज़न इज़ रूल्स आर नॉट फ्रेम्ड येट। अभी भी रूल्स फ्रेम्ड नहीं है, ओके, रूल्स आर स्टिल नॉट फ्रेम्ड। अगर आपने अपॉइंटमेंट कर दिया है मार्च में तो लगभग 10 महीने हो चुके हैं एंड टिल डेट अगर आफ्टर after 10 months there has not been any rules made prescribing the form for filling complaints to the lokpal. Kis tarike se lokpal ko form fill karke aap kaise rules, kya rule hai. The central government has also failed to formulate rules regarding asset disclosure by public servant. Public servant kis tarike se apna asset disclosure karenge, ye sari cheeze bhi fail hui hain.
No inquiry and prosecution wings. In order to ensure independent and credible action on allegations of corruption, the Lokpal was empowered under the law to set up its own inquiry wing. Okay, so Lokpal ke paas power thi ki wo khud ki inquiry wing ko appoint kar sake, but abhi tak aisa kuch dekhne ko nahi mila in India's case. Abhi bhi jo ye prosecution wings hai ya anti-corruption ombudsman ki wing jo hai, ye sari abhi bhi banna bachi hui hai. To yehi wali baat hai ki conclusion mein author ne kaha hai ki there is a failure to operationalize the Lokpal in an effective manner. ये जो है लोकपाल का effective manner में operationalization नहीं हो रहा है, है ना? और लगभग आपको मतलब इतने ज़्यादा समय लग गया, एक तो पहले law लाने में, act लाने में, उसके बाद आपने अब जब law आ गया तो अब उतना ही समय क्या आप लेंगे दोबारा उसको मतलब effective बनाने में. तो this is what the author has been saying and this was a very good article again. I hope you got clarity. Answers देख लेते हैं एक बार जो questions हमने पूछे थे. तो answer आज के जो question के हैं वो है C D D. These were the answers for today's questions. C D D. Sorry, the answers are CCD. Okay, CCD answers. एक बार फिर से देख लेना आप. Direct action call जो था उसका answer है to achieve state of Pakistan out of India. Simple सी बात है, state of Pakistan चाहिए था इसलिए उन्होंने ऐसा किया था. In regarding श्री रामुलु के regarding कौन कौन से statement है, तो C 1, 2 and 3 all तीनों statement सही हैं. 1, 2 and 3 तीनों सही थे कि achieving ये इनका जो पहला तो social activist था, emancipation of Dalits के लिए काम करते थे. He participated in individual सत्याग्रह including salt सत्याग्रह, बिल्कुल सही बात है. एंड थर्ड है his efforts led to the formation of Andhra Pradesh with Kurnool capital. ये भी सही है statement. तो C C और तीसरा जो है उसका answer है D D, यानी कि 4, 1, 2, 3 पहले हुआ operation Polo, ये आपका आंध्र प्रदेश वाला स्टेट जो operation था वो था. and फिर होगा operation मेघदूत, फिर हुआ ऑपरेशन पवन, फिर हुआ ऑपरेशन कैक्टस. तो इस तरीके से आपको आंसर्स बता दिए. सी सी डी आर दी आंसर्स फॉर टुडे. अब हम न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ मूव करते हैं. क्या न्यूज़ है फ्रंट पेज पर आते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं आज की. फ्रंट पेज पे तो कोई न्यूज़ नहीं है, है ना? तो पहले पेज की जो न्यूज़ है वह आप स्वीप्स दिल्ली पोल्स विद 62 सीट्स बीजेपी ट्राउंस्ड. तो यहाँ पे अगर आप देखें 70 सीट्स टोटल होती हैं दिल्ली की जो विधानसभा, उसमें 70 सीट्स टोटल हैं. आई थिंक 36 चाहिए, 36 सीट्स वर नीडेड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए. और आम आदमी पार्टी को जो सीट्स मिली वो 62 out of 70 मिली हैं, 62 सीट मिली हैं 70 में से. बीजेपी को जो सीट्स मिली हैं वो 8 सीट्स मिली हैं. ओके, 8 सीट्स हैव बीन वॉन बाय बीजेपी एज वेल. कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली है. सो दिस इज़ द स्टेटस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, जो दिल्ली में गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो आपको याद रख सकते हैं, ठीक है ना? आगे मूव करते हैं यहाँ पे. और कोई फ्रंट पेज में तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो डिस्कस की जाए. आगे मूव करते हैं. सोसाइटी मस्ट हेल्प कंजर्व वाटर. अब सोसाइटी जो है उसको वाटर कंजर्व करना चाहिए ऐसा कहा जा रहा है. अब ये कहाँ कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है नेशनल वाटर कन्वेंशन भोपाल. तो सबसे पहले याद रखना कि नेशनल वाटर कन्वेंशन जो हुआ है कहाँ पर हुआ है, वो भोपाल में हुआ है. नेशनल वाटर कन्वेंशन हैज़ बीन हेल्ड इन भोपाल. अब यहाँ पर एक नाम आएगा वाटर मैन ऑफ इंडिया. तो वाटर मैन ऑफ इंडिया कौन है? वाटर मैन ऑफ इंडिया है राजेंद्र सिंह. याद रखना इसका, इनका नाम राजेंद्र सिंह. ही इज नोन एज द वाटर मैन ऑफ इंडिया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राजेंद्र सिंह इज नोन एज द वाटर मैन ऑफ इंडिया. ये तो ऊपर लिखा भी है राजेंद्र सिंह, ठीक है ना? तो इन्होंने बेसिकली बात की है वही कि एक जैसे जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या है, क्या कर रही है, राइट टू वाटर बिल पास करने वाली है. राइट टू वाटर बिल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लेके आई है, ठीक है ना? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि राइट टू वाटर बिल, अगर ऐसा पूछे कि कौन सा स्टेट राइट टू वाटर बिल लेके आया, तो मध्य प्रदेश. हु इज नोन एज द वाटर मैन ऑफ इंडिया? तो राजेंद्र सिंह. नेशनल वाटर कन्वेंशन कहाँ हुआ? तो भोपाल. तो ये तीन फैक्ट्स हमको यहाँ से मिलते हैं. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. इसको याद रखना है तीनों फैक्ट्स को, ठीक है ना? आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं. तो यहाँ पे तो आम आदमी पार्टी का पूरा भरा हुआ है, तो ये भी आपने देख लिया, जीत गए. उसके बाद ओके, आगे मूव करते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में गो फॉर डिकेडल फोरकास्ट सिस्टम. अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है वो एक डिकेडल फोरकास्ट सिस्टम बनाने की सोच रही है, ठीक है ना? ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इज प्लानिंग अ डिकेडल फोरकास्ट सिस्टम अलॉन्ग ऑन द लाइन्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स मेट ऑफिस. तो देखो, यूनाइटेड किंगडम यूके में एक मेट ऑफिस है, मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है, जो कि इस तरीके से प्रेडिक्ट करता है फोरकास्ट 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, मतलब एक डिकेड के लिए पूरा प्रेडिक्ट कर देता है कि वेदर कैसे
ऐसा रहेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस भी इसी तरीके से डिकेडल फोरकास्ट सिस्टम बनाने की फिराक में है। तो डिकेडल फोरकास्ट सिस्टम आ सकता है। अब ये चीज कहां पे बोली, ये एमओएस यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के सेक्रेटरी ने बोली इन द 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट सर्विसेज। 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है क्लाइमेट सर्विसेज की, 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट सर्विसेज, वहां पे ये चीज बोली गई। ये 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट सर्विसेज कहां पे हुई, ये पुणे के एक इंस्टीट्यूशन में हुई जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी IITM। इसी ने जो है सफर सिस्टम, जो आपका सफर सिस्टम नहीं है, ओके, स्टेट ऑफ एयर एंड वेदर फोरकास्टिंग, तो ये जो सफर सिस्टम है ना वो आपका IITM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी ने ही बनाया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट सर्विसेज कहाँ हुई, ये पुणे के इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी में हुई, इसी ने सफर बनाया है। एंड दे आर प्लानिंग फॉर अ डिकेडल फोरकास्ट सिस्टम, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम का मेट ऑफिस करता है उसी तरीके से, ठीक है ना। अब इसको बनाया कैसे जाएगा, बेसिकली द न्यू प्रोग्राम इन द कंट्री विल बी यूजिंग अ कपल्ड क्लाइमेट मॉडल। इसमें कपल्ड क्लाइमेट मॉडल का यूज़ किया जाएगा एंड दे विल यूटिलाइज द सिग्नल्स इमिनेटिंग फ्रॉम डीप ओशंस। ओशियंस के बिल्कुल डीप से जो सिग्नल्स मिलेंगे उनके थ्रू ये प्रिडिक्ट करेंगे डिकेडल क्लाइमेट चेंज को, ठीक है ना। तो ये आता है डिकेडल क्लाइमेट चेंज को ये प्रिडिक्ट करने के लिए, बेसिकली ओशियंस के अंदर से आने वाले इमिनेट होने वाले उनका यूज़ करेंगे, सिग्नल्स का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। एंड इसको बोलते हैं कपल्ड क्लाइमेट मॉडल, तो ये आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बैक्स मूव टू डिमोलिश द रेस्टोरेंट्स नियर हम्पी साइट। अब हम्पी साइट बेसिकली आपको कहाँ है, हम्पी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये कहाँ पर है, ये आपके कर्नाटका में। इनफैक्ट कल मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर का जो वीडियो बनाया था उसमें विरूपक्ष टेम्पल की बात की थी, विरूपक्ष टेम्पल जो कि हम्पी में ही लोकेटेड है। तो विरूपक्ष हम्पी में है, ये कर्नाटका की साइट है, तो आप लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं इनके निकट यानी कि हम्पी के निकट, उनको डिमोलिश करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड। और ये इसलिए क्योंकि ये जो एक्ट, ये जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स, ये मैसूर एक्ट 1961 को वायलेट करते हैं, याद रखना, मैसूर एक्ट 1961 को ये वायलेट करते हैं हम्पी के प्रोटेक्शन के लिए। उसके नियर बाय एरियाज में आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया तो अब आपको भुगतना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन किया तो आप उसको तोड़ो। एग्री जोन में नॉट अफेक्ट द ऑनगोइंग तमिलनाडु प्रोजेक्ट्स। अब देखो बात क्या चल रही कि चीफ मिनिस्टर जो थे आपके तमिलनाडु के, एडापड्डी के पलनी स्वामी, उन्होंने अनाउंस ये किया था कि कावेरी डेल्टा रीजन को एक प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन PSAZ में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि कावेरी डेल्टा रीजन को कन्वर्ट किया जाएगा प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन एरिया में, ठीक है ना। अब ऐसा कहा जा रहा है, स्टडीज़ की गई हैं कि इट मे नॉट अफेक्ट द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये अफेक्ट नहीं करेगा डिक्लेरेशन, यानी कि प्रोटेक्टेड स्पेशल जोन, स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन अगर आप कावेरी डेल्टा रीजन को घोषित कर भी दोगे तो भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के ही क्यों ना हो, लेकिन उनको इफेक्ट नहीं करेगा। ये जो नया प्रोजेक्ट है यानी कि जो प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन एरिया में उसको डिक्लेयर करने वाले हैं, इसके बाद जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं लागू हो पाएंगे, न्यू हाइड्रोकार्बन प्रोजेक्ट्स विल नॉट बी अलाउड, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि जो प्राइमरी इंटेंशन है वो ये है कि कोई फ्रेश अटेम्प्ट अगर ऐसी होती कि आप एक्सप्लोरेशन ऑफ गैस कर लो या मिनरल ढूंढ लो इस कावेरी रीजन में, तो वो नहीं हो पाएगा फ्रेश अटेम्प्ट। लेकिन जो चल रही है, ऑनगोइंग है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, वो नहीं रुकेंगी इस, अगर इसको यानी कि प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन में कन्वर्ट करने के बाद भी। तो दिस इज द थिंग विच हैज बीन देयर एंड लेट्स सी कि इसको कन्वर्ट किया जाता कि नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली प्रमोशंस में जो ऑर्डर दिया उसको चैलेंज किया गया है, तो उन्होंने ये कहा था, वैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन देना कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, दिस इज़ नॉट एंड ये स्टेट्स के ऊपर है कि वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। तो मतलब बिल्कुल ये कोई राइट नहीं है कि आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दो, दिस इज़ वॉट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, एंड ये स्टेट्स के ऊपर रहेगा। तो ये बेसिकली जो ऑर्डर था इसको चैलेंज किया गया है, ठीक है ना, फॉर रिव्यू इसको चैलेंज किया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स हमने देख लिए हैं, एडिटोरियल्स ऑलरेडी हमने देख लिए हैं। 1.25 लाख टू अटेंड केम छो ट्रंप शो। अब देखो जैसा इंडिया में क्या होता है, कोई इंग्लिश मूवी आई हो तो अगर आपने उसकी डबिंग देखी हो तो अगर उसमें गाना चल रहा है माय हार्ट विल गो ऑन, तो ये डबिंग में बोलते हैं क्या, ढिंका चिका बोल देते हैं ना, ढिंका चिका बोलते हैं ना, कि वो गा रहा होगा माय हार्ट विल गो ऑन, लेकिन ये डबिंग करके ढिंका चिका कर देते हैं। तो वही चीज़ है कि वहाँ पे हाउडी मोदी जो था, हाउडी मोदी को हाउडी ट्रंप यानी कि केम छो ट्रंप बना दिया इन्होंने, ठीक है। तो केम छो ट्रंप, ट्रंप बोलेगा मजामा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, ये होने वाली है। अब
पता नहीं क्या सोचते हैं, कौन पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है ना। तो ये दीज आर द थिंग्स। अब ये केमछो ट्रंप याद रखना, याद नहीं भी रखना लेकिन याद हो ही जाएगा, इतनी रुटपटांग चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं ना। तो दिख रहा होगा वर्कर्स गिविंग फाइनल टचेस टू द सरदार पटेल स्टेडियम एट मोटेरा अहमदाबाद। तो मोटेरा एक तो लोकेशन याद रखना कि अहमदाबाद में है, सरदार पटेल स्टेडियम में केमछो ट्रंप शो होने वाला है जहाँ पे, ओके। तो ये याद रखना। SPGs की बात चल रही है, SPG only secures Prime Minister। तो SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, आप सबको पता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो बने थे ये 1985 में बने थे बेसिकली, याद रखना, विद द इंटेंशन टू प्रोवाइड प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी टू द प्राइम मिनिस्टर। अब ये SPG जो बना था तो इंदिरा गांधी के हत्या के बाद बना था। इंदिरा गांधी 1984 में उनकी हत्या हो जाती है, तो राजीव गांधी ने इनको बनवाया था 1985 में, इनको रेस किया गया था 1985 में, ठीक है ना। पहले क्या होता था बेसिकली बता देता हूँ आपको, एसपीजी एक्ट के अंदर पहले प्रोटेक्शन मिलती थी प्राइम मिनिस्टर को और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भी, और पहले 10 सालों के लिए प्रोटेक्शन मिलती थी, 10 इयर्स के लिए मिलती थी। उसके बाद चेक किया जाता था कि कितना थ्रेट है कितना नहीं उसके बेसिस पे 10 सालों के बाद। अभी रिसेंटली अमेंडमेंट किया गया है एसपीजी एक्ट में, देखो लिखा भी हुआ है रिसेंट अमेंडमेंट टू द एसपीजी एक्ट। अब पहला जो एसपीजी एक्ट में अमेंडमेंट है वो है रिड्यूस्ड एसपीजी कवरेज, यानी कि पहले जो फॉर्मर को भी मिलती थी अब वो फॉर्मर को, अब वो केवल प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को और उनकी इमीडिएट फैमिली को मिलेगी, और जो फॉर्मर को मिलेगी वो केवल 5 सालों के लिए मिलेगी, केवल 5 सालों के लिए मिलेगी। दिस इज द थिंग, याद रखना कि जो सिक्योरिटी कवर मिलेगा प्राइम मिनिस्टर को, जो फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर हैं उनको और उनकी इमीडिएट फैमिली को, दे विल ओनली गेटिंग इट फॉर द रिड्यूस्ड पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। पहले 10 सालों के लिए मिलता था, अभी 5 सालों के लिए मिलेगा, ठीक है ना। एंड ये याद रखना कि केवल जो मेन है प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए ही अब एसपीजी कवर रह गया है, 1985 में बना था। अगले जो न्यूज़ है वो है बिल टू इंक्लूड मोर ट्राइब्स इन द एसटी कैटेगरी। अब एक बिल है जो कि पहले राज्यसभा में पास हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन अभी उसको लोकसभा में पास किया गया है टू इंक्लूड मोर ट्राइब्स इन द एसटी कैटेगरी। तो इसमें जो ट्राइब्स हैं उनके नाम याद रखना, परिवारा ट्राइब, तलवारा ट्राइब एंड सिड्डी ट्राइब, याद रखना ये तीन इंपॉर्टेंट है। देखो परिवारा एंड तलवारा ट्राइब्स अगर आपसे पूछे कौन से स्टेट की हैं तो ये आपको याद रखना कर्नाटका स्टेट्स की हैं, परिवारा एंड तलवारा साइट एसटी कम्युनिटी कहाँ की हैं तो ये आपकी कर्नाटका की हैं। सिद्धि भी कर्नाटका की हैं, लेकिन अभी क्या था सिद्धि के जो उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहते थे उनको ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका था एसटी कैटेगरी में, लेकिन सिद्धि जो बेलगावी और धारवाड़ में थे उनको नहीं किया गया था। तो अब जो बिल है उसमें सिद्धि ट्राइब्स ऑफ बेलगावी एंड धारवाड़ आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एसटी कैटेगरी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, परिवारा तलवारा और सिद्धि ऑफ द बेलगावी एंड धारवाड़। तो ये तीनों ओवरऑल जो कम्युनिटीज हैं वो कर्नाटका की हैं, इनको एसटी कम्युनिटी के अंदर डाला गया है। तो दिस इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, सूडान एग्रीज टू हैंड ओवर बशीर टू आईसीसी। तो सूडान ने एग्री कर दिया कि जो उनका आउटस्टेड ऑटोक्रेट लीडर था ओमार अल बशीर, उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सौंप दिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को जब सौंप दिया जाएगा तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेसिकली इन्वेस्टिगेट करता है ऐसे केसेस को जहां पे किसी इंडिविजुअल को आपने चार्ज किया हो ऑफ जीनोसाइड, ऑफ वॉर क्राइम्स, ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट याद रखना बेसिकली ये इंडिविजुअल्स को देखता है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस जो है वो नेशंस के लिए, नेशंस या स्टेट्स को देखता है, पार्टीज को देखता है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इंडिविजुअल्स को भी देखता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन द टू। इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो हेग नीदरलैंड में ही है, ये याद रखना, आईसीजे का भी हेग नीदरलैंड में है, इसका भी है। आईसीसी यानी कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी रोम स्टैट्यूट से। रोम स्टैट्यूट जो है वो अडॉप्ट हुआ था 17 जुलाई 1998 को, 17 जुलाई 1998 को अडॉप्ट हुआ था। क्या अडॉप्ट हुआ था? रोम स्टैट्यूट। रोम स्टैट्यूट के थ्रू ही आईसीसी काम करना शुरू किया है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि आईसीसी कैसे काम करना शुरू किया, तो रोम स्टैट्यूट से, जो कि 17 जुलाई 1998 को ये अडॉप्ट हुआ, और 1 जुलाई 2002 को ये फंक्शनिंग हुआ, मतलब प्रॉपर फोर्स में आया। तो ये रोम स्टैट्यूट का है, 1998 में ये अडॉप्ट हुआ, 2002 में जुलाई में ये फोर्स में आया, तब उसके साथ ये आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट भी फोर्स में आया। तो ये आप याद रख सकते हैं। ईरान सेलिब्रेट्स 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन। अब आपने, आपको पता होना चाहिए कि 1979 में एक जो रेवोल्यूशन होता है इस्लामिक रेवोल्यूशन कहा जाता है, उसको ईरान रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसकी एक जिस्ट बता देता हूँ, हाईलाइट बताता हूँ। इसको ईरानियन रेवोल्यूशन या इस्लामिक रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। और
इंकलाब इस्लामी, इसको पर्शियन में कहा जाता है इंकलाब इस्लामी, 1978-79 में हुआ था बेसिकली। और हुआ ये था कि ईरान से मोनार्की को टॉपल कर दिया गया था, मोनार्की को रिमूव कर दिया गया था, और एक इस्लामिक रिपब्लिक यानी कि एक थियोक्रेटिक स्टेट जो कि प्रॉपर रिलीजन फॉलो करता है इस्लाम का, इस्लामिक रिपब्लिक की नींव रखी गई थी बेसिकली। और ये हुआ था 11 फरवरी 1979, यानी कि 11 फरवरी 1979, 11, 12, 13, आप मान सकते हैं 12 ही है आज तो। अभी इसके पूरे हो चुके हैं बेसिकली 1979 से, अभी आपका आप देख लेना कितने साल हो गए, 40 साल हो गए आई थिंक। तो ये एक चीज़ थी जो कि फरवरी 1979 में हुई थी। इस्लामिक रेवोल्यूशन जो हुआ था 1979 में, उसमें बेसिकली मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री ऑफ ईरान जो थी, ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री थी, और इसने इस्लामिस्ट रेवोल्यूशनरीज ने अपोज किया था वेस्टर्न सेकुलर पॉलिसीज को। वहाँ पे जो शाह रूल कर रहा था उस समय, उसका नाम था मोहम्मद रेजा पहलवी। ओके, याद रखना मोहम्मद रेजा पहलवी जो थे वो उस समय शाह था वहाँ पे, और उसकी पॉलिसीज़ को वेस्टर्न पॉलिसीज़ कहा जा रहा था। मतलब उसको कहा जा रहा था कि ये जो है ये मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस्ड है, इसलिए इसका काफ़ी अपोज किया गया और मोहम्मद शाह पहलवी को रिमूव किया गया फिर वो। और उस समय वहाँ पे जो आयतुल्लाह खोमेनी थे, एक प्रोफेसर था आयतुल्लाह खमीनी, उसकी उसके कारण काफ़ी ज़्यादा लोग इंस्पायर हो गए थे एंड दे रिमूव्ड द शाह, शाह ऑफ ईरान मोहम्मद रेजा पहलवी, उसको रिमूव किया गया और मोनार्की को रिमूव करके, अथॉरिटेरियन मोनार्की को रिमूव करके एक थियोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया गया। तो ये याद रखना कि अथॉरिटेरियन मोनार्की थी पहले, उसको रिमूव करके थियोक्रेटिक रिपब्लिक, थियोक्रेटिक मतलब ऐसा स्टेट जिसका एक प्रॉपर रिलीजन हो, जैसे यहाँ पे इस्लाम रिलीजन था इनका प्रॉपर, इसलिए थियोक्रेटिक रिपब्लिक कहलाता है। तो ये याद रखना, दिस इज व्हाट द ईरानी रेवल्यूशन वॉज। कोरोना वायरस पोजेस वेरी ग्रेव थ्रेट टू द वर्ल्ड, सेज डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जो कोरोना वायरस है बहुत ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, लगभग 1000 से ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग मिल चुके हैं। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि हेल्थ रिगार्डेड है, और 1948 में ये बनी थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 194 मेंबर कंट्रीज हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क करता है इन कोलैबोरेशन विद द मेंबर स्टेट्स थ्रू मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ, तो मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ के थ्रू ये काम करता है और बेसिकली ग्लोबल लीडरशिप प्रोवाइड करता है इन द मैटर्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ रिसर्च, सेटिंग नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स, आर्टिकुलेटिंग एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ऑप्शंस, ये सारी चीज़ों में मदद करता है। इसकी फंक्शनिंग 7 अप्रैल 1948 को स्टार्ट हुई एंड 7th अप्रैल इज नाउ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। ये भी याद रखना कि 7th अप्रैल 1948 को ये वर्किंग स्टार्ट हुई एंड 7th अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। ऑब्जेक्टिव्स हैं टू एक्ट एज डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन इंटरनेशनल हेल्थ वर्क। इंटरनेशनल हेल्थ वर्क में एक्ट करता है ये डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी के रूप में। एस्टैब्लिश करता है कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, गवर्नमेंट हेल्थ, ये सब चीज़ों के लिए बढ़ावा देता है एंड इट प्रोवाइड्स असिस्टेंट टू द गवर्नमेंट अपॉन रिक्वेस्ट इन स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है गवर्नेंस की इसकी मेन बॉडी है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहा जाता है, जो इसकी मेन बॉडी है उसको वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहा जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, इकॉनमी नॉट इन ट्रबल एसर्ट्स द फाइनेंस मिनिस्टर। तो बिजनेस पेज की न्यूज़ है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी जो इकॉनमी है वो ट्रबल में नहीं है एंड फॉर दिस शी हैज़ गिवन सम ग्रीन शूट्स, ग्रीन शूट्स उन्होंने बोला है कि कुछ ग्रीन शूट्स हैं जो कि दिख रहे हैं, हरे सिंगल सिग्नल्स दिख रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट है हायर फॉरन इन्वेस्टमेंट, फॉरन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है, सो दैट इज़ द ग्रीन शूट। सेकेंड उन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि आई आई पी जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बढ़ रहा है। थर्ड उन्होंने दिया कि जीएसटी कलेक्शन इज इंक्रीजिंग एंड चौथा उन्होंने दिया कि जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो ऑल टाइम हाई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ गए हैं एंड जो स्टॉक मार्केट है वो भी प्रॉपर चल रहा है, अपबीट स्टॉक मार्केट। तो ये कुछ ग्रीन शूट्स हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि हमारी इकॉनमी जो है वो खतरे से बाहर है। सो दिस वॉज द न्यूज़ फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से 3-0 से सीरीज हार गई, ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं भी होता तो चल जाता लेकिन आप पता कर सकते हैं। और दैट इज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।